चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हारती। बिग बॉस सीजन 13 का खिताब ले गए सिद्धार्थ शुक्ला। कहीं ना कहीं शो की शुरुआत से ही लोगों ने ऐसे कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि अगर ये शो कोई जीत सकता है तो वो है सिद्धार्थ शुक्ला। इस शो में सिद्धार्थ शुक्ला के हर रंग सामने आए। वो बीमार पड़े, उनकी लड़ाइयाँ हुई, उनका प्यार हुआ, उनकी दोस्ती हुई, हर एक पॉइंट को सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पर क्लियर करते हुए नजर आए। लड़ाई झगड़ों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिद्धार्थ और लड़ाई का नाम अगर आप सुनते हैं तो सिर्फ दो ही इंसिडेंट आपके दिमाग में आते होंगे, एक सिद्धार्थ की रश्मि के साथ लड़ाई और एक सिद्धार्थ की आसिम के साथ लड़ाई। आज इसी बारे में हम आपको कुछ बताएंगे, कैसे अपनी लड़ाइयों पर सफाई देते हुए सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ नजर आ रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। सीजन 13 की एक बात तो आप सभी को आज भी याद होगी, जिस तरह से सिद्धार्थ और आसिम के बीच लड़ाई हुई, जिस तरह से सिद्धार्थ और रश्मि की लड़ाई हुई। सीजन 13 की हर एक बात को आप भुला सकते हैं, लेकिन जो लड़ाई सिद्धार्थ की आसिम के साथ हुई, जो लड़ाई सिद्धार्थ की रश्मि के साथ हुई, आप उस लड़ाई को कभी नहीं भूल सकते हैं और ये फैक्ट है। रश्मि ने जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर चाय फेंकी थी, बिग बॉस के इतिहास में शायद ही ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन शो के दौरान जो जबरदस्त लड़ाई देखने को इनके बीच में मिली, वो मानो शो के खत्म होने के साथ ही खत्म भी हो गई। आज जब भी सिद्धार्थ और आसिम या रश्मि से इन तीनों के बारे में कुछ पूछा जाता है तो ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव कमेंट करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का एक इंटरव्यू किया गया, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने ये कहा कि जब मैं कभी बैठकर उन सभी चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उन लड़ाइयों पर हंसी आने लगती है। मुझे उम्मीद है कि अब मेरा रश्मि देसाई और आसिम रियाज के साथ बॉन्ड कूल है। जब भी कभी मैं उनसे मिलूंगा तो मुझे लगता है शो खत्म होते वक्त जैसा हमारा एविक्शन था, जैसा हमारा बॉन्ड था, वैसा ही बॉन्ड हम शेयर करेंगे। मैं जिंदगी में आगे बढ़ना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे आसपास जो भी हो, सभी के साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप रहे। अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। जब भी मिलेंगे, मुझे यकीन है हम सब एक साथ बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। बता दें आपको, शो में पहले आसिम और सिद्धार्थ के बीच भाइयों जैसा प्यार था, लेकिन एक महीने बाद ही मानो दोनों का अग्रेशन सामने आ गया और दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां दर्शकों को देखने को मिली थी। जी हाँ, आपको यहाँ पे ये भी बता दे, जब सिद्धार्थ शुक्ला से टीवी के अपकमिंग प्लान्स के बारे में पूछा गया तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि कईयों के साथ मेरी बातचीत चल रही है, जल्द ही फैंस मुझे टीवी पर देख सकेंगे। इसके अलावा मैं फ्यूचर को प्लान करने में यकीन नहीं रखता, बल्कि मैं प्रेजेंट में जीना पसंद करता हूँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब सिद्धार्थ शुक्ला हमें किस नए शो में दिखाई देने वाले हैं। बिग बॉस का घर एक ऐसा घर है जहां पर आप कुछ लोगों के बीच में घिर जाते हैं। वही कुछ लोग होते हैं आपके पास जिनसे आप बात कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कंटेस्टेंट उस घर में होते हैं तो उनका सोचने का तरीका, नजरिया कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही वो उस घर से बाहर आते हैं उनकी सोच पूरी तरीके से बदल जाती है। और ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ। जी हाँ, जो सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि और आसिम से घर में बहुत लड़ाई किया करते थे, वो अब यूं कहते हुए नजर आते हैं कि उन लड़ाइयों के बारे में सोच के ही सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत ज्यादा हंसी आती है कि किस तरह से वो उन दोनों से भिड़ गए थे और दोनों के बारे में सोच के वो खूब ज्यादा हंसते हैं। हालांकि अब सिद्धार्थ शुक्ला ये क्लियर कर चुके हैं कि जब भी वो रश्मि और आसिम के साथ मिलेंगे फ्यूचर में तो उनके साथ उनका बॉन्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को।